शोहर बीमार था, बीवी ने खून की बोतल दी। डॉक्टर ने कहा मुबारक हो, आपका खून मिल गया है। शोहर, क्यों नहीं मिलेगा, 20 साल से तो खून चूस रही थी। कभी कभी घर में ऐसे मेहमान आते हैं जिनके बच्चे होते हैं। सच्ची यारी तब पे भारी, 5 गहरे दोस्त घूमने शहर आए और होटल में खाना खाया। जब बिल देने की बारी आई तो सब आपस में एक दूसरे से लड़ने लगे कि बिल मैं दूंगा। उस देर ऐसे ही चलता रहा, फिर तय पाया कि होटल के गेट चक्कर लगाकर जो सबसे पहले गेट पर पहुंचा वो बिल देगा। ये मंजर देखकर होटल के मालिक की आंखों में आंसू आ गए। खैर, दौड़ शुरू हुई। होटल के मालिक ने सीटी बजाई और अब तक 5ों के गेट तक पहुंचने का इंतजार कर रहा है। अगर आप किसी चीज को चाहते हैं, उसे आजाद छोड़ दें। अगर वो लौट कर वापिस आ जाए तो समझ जाएं, इसे कोई मुंह नहीं लगाता। इसे फिर आजाद छोड़ दें, वो कहीं नहीं जाएगा। शोहर, मैं गैर मुल्क जा रहा हूँ। बीवी, इंडिया जाओ तो साड़ी भेजना, दुबई जाओ तो ज्वेलरी भेजना, फ्रांस जाओ तो परफ्यूम भेजना। शोहर, अगर दोजख जाऊँ तो क्या भेजूँ। बीवी, अपनी वीडियो भेजना, हमें भी तो पता चले कि बीवियों को सताने वाले किस हाल में हैं। बीवी, मेरा रिश्ता मांगने वाले अब भी पछताते हैं कि रिश्ता क्यों नहीं मिला। शोहर, मुझसे ज्यादा नहीं पछताते होंगे। वीडियो देखने का शुक्रिया। लाइक कीजिए हमारा पेज NTV उर्दू, और वीडियो पसंद आए तो जरूर शेयर कीजिए।